यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगा। प्लीज ये देखें, फर्स्ट अभी हम इसको छापेंगे इस तरह से। ये प्रिंटिंग करने वाला एम्ब्रॉयडरी का पाउडर है और कैरोसिन मिलाया इसमें, और ये धागा डाल के इससे इस तरह से छापा जाता है। यहाँ पर मैं कॉपर जरी का आउटलाइन कर रहा हूँ, थ्री लाइन आउटलाइन होगा गाइस। गाइस यहाँ पर मैंने थ्री लाइन कॉपर जरी का आउटलाइन रेडी कर लिया है, और यहाँ पर कॉपर बेस का आउटलाइन कर रहे हैं। यहाँ पर टू लाइन कॉपर बेस का आउटलाइन आएगा गाइस, कुछ इस तरह। ये गाइस यहाँ पर हमारा टू लाइन वेट्स रेडी हो चुका है, और अभी यहाँ पर मैं ये फाइव नंबर का गोल्डन कुंदन है, स्टोन कह सकते हैं, फाइव नंबर का स्टोन है। यहाँ पर फोर बीट्स डाल रहा हूँ गाइस, साइड में थोड़ा जगह छूटेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और वर्क होगा, वो आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ये किस तरह बन रहा है वो आप देखें। वन स्टिच में सारा फ्लावर रेडी हो जाएगा बीट्स का, एक ही बार फाइनली लॉक हो गया। फ्लावर का बीट्स रेडी हो चुका गाइस, और अभी ये लाइन में हो। ये लाइन है ना, ये लाइन ये बीट्स का लाइन जा रहा है, ये देखें। गाइज ये गोल्डन कट बीट्स है, और कट बीट्स का यहाँ पर लोडिंग होगा लीफ में। जिस तरह से थ्रेड का लोडिंग होता है ना रेशम का, उसी तरह से कट बीट्स का होता है। एक तरफ बढ़ेगा एक स्टिच तो दूसरी तरफ एक स्टिच कम होगा। जब ये आप
कट बीट्स डालेंगे तो ये लीफ में स्ट्रेट नहीं, थोड़ा क्रॉस, तभी आपका लोट का लुक लोट के जैसा बन पाएगा, नहीं तो अच्छा नहीं बन पाएगा। ये ग्रीन थ्रेड है, दो तार यानी दो सिल्क थ्रेड लिया मैंने, और इससे अभी लीफ का लोडिंग स्टिच करेंगे। ये सिल्क थ्रेड सिलने वाली नीडल है गाइस, ये दो तार की नीडल है, यानी दो सिल्क थ्रेड लेंगे ना उसी का ये नीडल है। और ये देखें, टू साइडेड लीफ बन रहा है ये, इसको एम्ब्रॉयडरी के लैंग्वेज में चिड़ुआ पत्ती बोलते हैं। इसको टू साइड से लोडिंग किया जाता है इसमें, तो ये लीफ रेडी होता है। ये लीफ हमारा रेडी हो चुका है, और ये है नॉर्मल लीफ। वन साइडेड ही बनेगा ये रोड। रेडी होने के बाद ये लीफ किस तरह दिखता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये टू साइडेड लीफ है और ये नॉर्मल लीफ है सिंगल। ये लीफ को ऑलवेज 20 से ही स्टार्ट किया जाता है, मिडिल से ही इसको स्टार्ट करना है। ऊपर से आपको स्टिच करना है, स्टार्ट करना है, और नीचे जाकर के एंड करना है। मैं काफी जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे।
गाइस यहाँ पर प्रॉपर तरीका आउटलाइन कर रहे हैं हम, जो भी मैंने वर्क किया है यहाँ पर लीफ का वो सबको मैं जरी से कवर कर रहा हूँ ताकि इसकी खूबसूरती अच्छी हो जाए। अभी सभी वर्क को कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से आउटलाइन से। कुछ इस तरह का इस ये देखें, गाइस यहाँ पर 6 लेयर का सिल्क थ्रेड लिया मैंने, 6x40 लेयर का रिंग नॉट बनेगा इस जगह पे। ये जो खाली जगह देख रहे हैं ना, ये जगह फिल होगा। किस तरह बन रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वीडियो में बने रहे गाइस। देखें यहाँ पर रिंग नॉट बना रहे हैं हम, किस तरह बनेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। को 1 and 2 टाइम यहाँ से निकला था वापस उसी जगह, थोड़ा मुश्किल है बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखें ये रुक एक मिनट, पहले यहाँ पर से निकाला था स्टिच, अभी जस्ट इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको वापस नीडल अंदर डालना है और धीरे धीरे स्लो स्लो खींचना है। और गाइस हमारा ये रिंग नॉट रेडी हो चुका है। गाइस हमारा ये फ्रंट पार्ट ब्लाउज का रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आया।